हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंस डे की बैच मेकिंग का सेकंड सिक्वल का सेकंड वीडियो है। आज हम फिर एक बैच बनाएंगे। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, एक तीन स्ट्रिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो टू एंड क्वार्टर इंच, ठीक है, टू क्वार्टर इंच के दो। हमारे पास पेपर थोड़ा कम है तो हम पहले दो स्ट्रिप्स काटेंगे, फिर हम दो स्ट्रिप्स काटेंगे, टोटल चार स्ट्रिप्स हम काटेंगे, ठीक है। दो स्ट्रिप्स हमने काट लिए हैं, दो हम और काट लेंगे, टू एंड क्वार्टर इंच, ठीक है। ये चार स्ट्रिप्स हमने टू एंड क्वार्टर इंच की काट ली हैं, ठीक है। हमें तीन की ज़रूरत है लेकिन हमने चार ली हैं। एक्सीडेंटली अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हम उसको, अब हमें दो दो स्ट्रिप्स चाहिए हैं, और यानी सैफ्रन कलर और ग्रीन कलर की, थ्री क्वार्टर इंच ओके, थ्री क्वार्टर इंच की तीन स्ट्रिप्स चाहिए, सैफ्रन और तीन ग्रीन, ठीक है। तो हमने जीजू चार स्ट्रिप काटी है कि अगर कोई एक्सीडेंटली स्ट्रिप खराब हो जाती है तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने ये एक दो तीन चार और एक हम एक्स और काटेंगे थ्री क्वार्टर इंच की, तो हमारे पास तीन सैफ्रन और तीन ग्रीन कलर की जो रिक्वायर्ड हैं। अब इस तरह आप देखेंगे तो हमारे पास जो हमें ज़रूरत थी तीन ग्रीन की थी, तीन ऑरेंज और तीन वाइट। ये टू क्वार्टर इंच है, ये टू इंचेस एंड क्वार्टर है, ये थ्री क्वार्टर इंच है, ये थ्री क्वार्टर इंच है, ठीक है। इसके अलावा हमें दो पीस चाहिए होंगे, एक चक्रा के लिए और एक बेस के लिए, तो हमने दो पीस वो भी काट लिए हैं, एक चक्रा के लिए और एक बेस के लिए, ठीक है। दो पीस हमने ले लिए हैं, एक पे हमने चक्रा बनाया है ये देखिए, और एक हमने बेस के लिए रखा। सिंपल 1 सेंटीमीटर की फैन फोल्डिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फैन फोल्ड करके इसको तैयार कर लेते हैं। अच्छा, फैन फोल्ड करने से पहले हम देखेंगे कि ये जो हमने तीन पेपर लिए थे वाइट वाले, इसके एक साइड में हमको ये ऑरेंज पेस्ट करना है और एक साइड में हमको ये ग्रीन पेस्ट करना है, और इसी तरह हम तीनों पेपर्स को कर लेंगे, ओके। उसके बाद हम फैन फोल्ड करना सीखेंगे। अब देखिए, हमने ये तीनों पेस्ट कर दिए हैं ट्राइकलर फ्लैग की शेप में, ठीक है। अब हम इसकी फैन फोल्डिंग करेंगे, एक साइड से शुरू करते हैं, 1 सेंटीमीटर फैन फोल्ड करना है, ओके, गॉट इट। इसी तरह हम तीनों को फैन फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हमने तीनों फैन फोल्ड कर दिए, अब हम इनको सीक्वेंस में जोड़ लेंगे, ओके।
हमने इसको सीक्वेंस में जोड़ लिया। अब ये इसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं और हम इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको देखिए चारों तरफ से जोड़ लिया है। अब हमें ज़रूरत है चक्रा की, तो हमने चक्रा ये बना लिया है। इसका साइज़ जो है 1¼ इंच हमने रखा है, ठीक। आप 1½ इंच भी रख सकते हैं चक्रा का साइज़। और सिंपली हमको इसको इस तरह से करना है, ठीक है। और अंदर के साइड में हम पुश करेंगे ऐसे और चक्रा को इम्प्लांट कर देंगे इस जगह पर, ओके। लेकिन मैं इसमें चक्रा पेस्ट कर दिया है। अब हम इसको पीछे पलटेंगे ऐसे, और पीछे पलट के इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा हमने एक राउंड बनाया था सर्कल, उसको पेस्ट करेंगे। और इसको होल्ड रखेंगे थोड़ी देर तक, जब तक ये थोड़ा सा सूख नहीं जाए। अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये बाहर की तरफ पुल करेगा और निकल जाएगा, ठीक है। जब तक ये सूख नहीं जाता है तब तक हम इसको बराबर दबा के रखेंगे। अगर नीडफुल हो तो इसमें एक एक्स्ट्रा पेपर भी हम दे सकते हैं, ओके। अब एक एक्स्ट्रा पेपर ले लेते हैं, ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा पेपर ले लेंगे, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं सेफ्टी पिन, ओके, कॉमन पिन जो सेफ्टी पिन होती है वो ले लेते हैं। और सेफ्टी पिन को इस पेपर की मदद से हम इसमें पेस्ट कर लेंगे। इस वाले पार्ट में पेपर हम ऐसे लगाएंगे और सेफ्टी पिन को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए है इसके लिए दो, ये देखिए ये वाला पार्ट भी हो गया हमारा। अब हमें इसके लिए चाहिए एक बो, ठीक है। तो हम ट्राई कलर की बो प्रिपेयर करेंगे। हम एक पीस ले लेते हैं 3/4 इंच का, ठीक है। और दो पीस हम ले लेते हैं 1/4 इंच के, और उसको इस तरह से हम पेस्ट करेंगे और इससे हम बो बना लेंगे। देखिए हमने इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और बो शेप में इसको नीचे के साइड से ट्रिम करेंगे हम इस टाइप से, जो हमने देखिए कटिंग कर लिया, ठीक है। दोनों पीसेस को हमने कटिंग कर लिया इस टाइप से। अब हम इसके नीचे से इसको पेस्ट कर दिए। पहले हम इन दोनों में को ग्लू से जोड़ेंगे एक एंगल पे, ये देखिए ए शेप में, ठीक। और फिर इन दोनों को हम पेस्ट कर देंगे पीछे वाले पार्ट में, इसके पीछे वाले पार्ट में जहाँ हमने ये ग्लू दोनों में लगाना चाहिए, बराबर का ग्लू लगाएंगे। और इसको लगाने के बाद इसके ऊपर एक हम फिर पेपर, छोटा सा पेपर हम इसको पेस्ट करेंगे स्ट्रेंथ देने के लिए इसको, ठीक है। और ये हमारा बैच तैयार हो गया, ओके। इस सीक्वल के थर्ड वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।